हेलो फ्रेंड, ये आप लोगों का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का पार्ट 3 है। पिछले वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो उस फर्म का जो है वो कैसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है। उस केस में क्या था, 1 लाख का प्रॉफिट था। अभी हम लोग केस डील कर रहे हैं कंटिन्यूइंग विथ इलस्ट्रेशन 1। इफ देयर इज नेट लॉस ऑफ ₹1 लाख, अगर नेट लॉस है 1 लाख का तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि पार्टनर्स को जो सैलरी मिलने की होती है, पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, दे आर ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दे आर नॉट ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये तभी अलाउ किया जाएगा पार्टनर्स को जब पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ है। अगर लॉस आ रहा है तो सिचुएशन के अंदर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये जो सैलरी है ये पार्टनर्स को अलाउ नहीं की जा सकती है। तो अब देख लेते हैं हम लोग इसका अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन कैसे करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस नेट लॉस को ब्रॉट डाउन करेंगे। आप लोगों ने प्रॉफिट जब हुआ था तब उसे नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके आप लोगों ने दिखाया था क्रेडिट साइड में 1 लाख। अभी आपको सिंस लॉस हुआ है 1 लाख का तो उसे आप लोग क्या करोगे, 2 नेट लॉस ब्रॉट डाउन करके दिखाओगे 1 लाख रुपीज का। अब ये 1 लाख का जो लॉस है ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि आपको सम के अंदर में दिया हुआ था दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। तो ये लॉस जो है वो 3:1 के रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना हो गया, 1 लाख का लॉस है, उसको 3:1 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया आपने तो 75,000 और 25,000 ये उनके रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग थर्ड इलस्ट्रेशन से, उसके अंदर में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कंटिन्यूइंग विथ इलस्ट्रेशन 1, इफ पार्टनर ए हैज प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को जो है पार्टनर ए ने लोन प्रोवाइड किया जाता है, किया है, और उसमें जो है फर्म को जो क्या हो गया है, नेट लॉस बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज ₹1 लाख। फर्म को जो है वो 1 लाख रुपीज का नेट लॉस दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर के अंदर में, फर्स्ट पार्ट के अंदर में आप लोगों को बताया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ रहता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो अगर फर्म को लॉस भी हो रहा है तब भी क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा। इवन इफ ये दिखाने के बाद में, इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाने के बाद में फर्म का जो लॉस है वो बढ़ जा रहा है, बट फिर भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस इंटरेस्ट ऑन लोन को शो करना पड़ेगा। तो देख लीजिए कैसे होगा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। 2 नेट लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन ₹1 लाख, फिर हम लोग दिखाएंगे इधर पे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन था कितना, 10 लाख रुपीज का जो है वो लोन दिया था ना पार्टनर ने, 10 लाख पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ इंटरेस्ट का रेट, तो हम लोग क्या करेंगे 10 लाख × 6% दैट इज ₹60,000 जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। अब जो आप लोगों का नेट लॉस है वो कितना हो जा रहा है, 1,60,000 का, ये 1,60,000 का लॉस जो है वो क्या हो जाएगा आपका, कैरेट डाउन हो जाएगा। और ये कैरेट डाउन कैसे होगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जाएगा। कैसे होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, 3:1 के रेशियो में। पर आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। ये आप लोग क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले प्रिपेयर करोगे, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में इसको आप शो करोगे। ये यहाँ पे दिखाने के बाद में आपका जो नेट लॉस है वो 1,60,000 रुपीज का हो गया। ये 1,60,000 का जो नेट लॉस है ये पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर किया है, दिस इज नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाई, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही शो करना था। अब ये जो नेट लॉस है ये क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में हम लोगों ने क्या किया, ब्रॉट डाउन किया। यहाँ पे क्रेडिट में कैरेट डाउन हुआ था तो अब क्या हो जाएगा, डेबिट में ब्रॉट डाउन होगा 1,60,000 का। अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी जो इलस्ट्रेशन 1 के अंदर मेंशन की हुई थी वो सब हम लोगों को प्रोवाइड करनी थी, पर वो सब कुछ भी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। व्हाई, बिकॉज दे आर ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और सिंस आपका प्रॉफिट ही नहीं हुआ है तो आप अप्रोप्रिएशन करोगे कैसे। तो इसलिए जो आपके पास में नेट लॉस आ रहा है 1,60,000 का, ये 1,60,000 का लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा
इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 1,60,000 का 3:1 के रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये 3:1 का रेशियो है जो ओरिजिनल सम के अंदर में आप लोगों को मेंशन किया हुआ था। ये हम लोग का इलस्ट्रेशन 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 4 की तरफ में। इलस्ट्रेशन 4 के अंदर में क्या है, आप लोगों को इलस्ट्रेशन 1 का जो सारा डेटा था वो सब कुछ सेम है। लिखा हुआ है कंटिन्यूइंग विद इलस्ट्रेशन 1, इफ नेट प्रॉफिट इज ₹30,000, आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 30,000 का है। जो ओरिजिनल सम था उसके अंदर में मेरा नेट प्रॉफिट जो था वो कितना दिया हुआ था, 1,00,000 का। पर अभी बोल रहा है नेट प्रॉफिट जो है वो 30,000 का है। इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द केस ऑफ इनसफिशियंट प्रॉफिट। ये जो है वो आपका इनसफिशियंट प्रॉफिट का केस है। सो सिंस इट इज अ केस ऑफ इनसफिशियंट प्रॉफिट, तो इनसफिशियंट प्रॉफिट के केस में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो हम लोग सीखते हैं। अब देखिए, अगर ये 30,000 का आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसको मैं अगर यहां दिखाता हूं और फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करता हूं तो कितना हो जाएगा, 30,000 यहां आएगा। अब बताइए आप लोग, यहां 30,000 है, यहां पे अगर 30,000 मैं शो कर रहा हूं नेट प्रॉफिट 1,00,000 की जगह पे 30,000 दिखा रहा हूं और फिर यहां पे मैंने दिखा दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, तो अब बताइए कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो सैलरी कैसे मिलेगी एक को, ये तो बोल सकता है ना कि मुझे सैलरी भी चाहिए, तो कैसे देंगे, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए जब इनसफिशियंट प्रॉफिट का केस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन फाइंड करते हैं कि हर पार्टनर को कितना कितना रेम्यूनरेशन मिल सकता है। तो ये हम लोग पीएल अप्रो में नहीं दिखाएंगे, ये पहले हम लोग वर्किंग प्रिपेयर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स रेम्यूनरेशन एंड रेम्यूनरेशन रेशियो। देख लेते हैं हम लोग कितना है। जैसे पार्टनर जो है इसके लिए कॉलम बना लेते हैं पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद में ए के लिए अमाउंट का एक कॉलम, बी के लिए एक अमाउंट का कॉलम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलने का था, ए को 20,000, 2,00,000 का 10%, बी को 10,000, 2,00,000 का 10%, और ए को सैलरी मिलने की थी 2,500 × 12 करके, दैट इज 30,000। तो कितना हो गया टोटल रेम्यूनरेशन जो है वो 50,000 हो गया ए का, और बी का टोटल रेम्यूनरेशन कितना हो गया 10,000। अब इन लोगों के बीच में जो रेम्यूनरेशन रेशियो है वो कितना हो गया 5:1। अब क्या हो जाएगा, पार्टनर्स लोगों का जो ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था दैट वाज 3:1। अब पार्टनर्स लोग जो ये जो इनसफिशियंट प्रॉफिट है 30,000 का, इस 30,000 के नेट प्रॉफिट को वो लोग आपस में शेयर कर लेंगे अपने ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बल्कि अपने रेम्यूनरेशन रेशियो में, यानी कि 5:1 के रेशियो में इस प्रॉफिट को वो लोग शेयर कर लेंगे। तो कितना हो गया 25,000 and 5,000, ये 30,000 का जो इनसफिशियंट प्रॉफिट था ये पार्टनर के बीच में शेयर हो गया, यानी कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कोई और रेम्यूनरेशन नहीं मिल सकती। हाँ, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो वो जरूर दिया जाता पार्टनर को, पर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लोग दिखाते हैं जैसे आप लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 3 में दिखाया था। होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर होगा। अब मैं आगे के जो आगे का जो मेरा वीडियो होगा उस वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों के साथ में पार्टनरशिप के फर्दर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा।